हेलो एवरीवन। तो पाव भाजी बनाने के लिए हमने दो ऑनियन चॉप कर लिए हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया है, सब्जियां बॉईल कर ली है, कैप्सिकम चॉप करे हैं, टमाटो चॉप कर लिया है हमने एक बड़ा सा, और कुछ सूखे मसाले और ये खड़े मसाले। तो सबसे पहले हम ऑयल गरम कर लेंगे और उसमें डालेंगे हम लौंग और काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा और हींग, एक हरी मिर्ची कटी हुई और चॉप्ड की हुए अपने प्याज डाल दिए हम। दो प्याज कट किए थे मैंने और अच्छे से उसको हम फ्राई करेंगे। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट अब इसमें हम डाल देंगे। इसे हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, अच्छे से मिला लेंगे इसको, और डालेंगे हम 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये घर पे पिसा हुआ मसाला है, और गरम मसाला डाल देंगे इसमें, धनिया जीरा वाला। उसके बाद में इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे और टमाटर डाल देंगे इसमें। एक बड़ा सा टमाटर लिया था मैंने और चॉप किया था, और 2 मिनट इसको अच्छे से ऑयल सेपरेट होने तक इसको हम पकाएंगे। उसके बाद हम डालेंगे शिमला मिर्च कटी हुई। ये है पाव भाजी का मसाला, ये हम लास्ट में डालेंगे दोस्तों। ये देखिए सारी सब्जियां अच्छे से पक चुकी है, ऑयल सेपरेट आउट हो चुका है। अब इसमें हम ऑयल की हुई सब्जियां डाल देंगे। जो भी सब्जी आपके पास है और आपको पसंद है उसको अच्छे से बॉईल कर लें। यहाँ पे मैंने लिया है आलू, फूल गोभी और कैरेट, मटर भी डाल सकते हैं आप इसमें, और इसे अच्छे से हम क्रश कर लेंगे पाव भाजी मैशर से, मैश कर लेंगे इसको अच्छे से, मैश कर लेंगे। तो ये देखिए भाजी हमारी मैश हो चुकी है। इसमें हम डाल देंगे पाव भाजी का मसाला, डेढ़ डेढ़ चम्मच के करीब डाला है मैंने। अच्छे से हम इसे मिला लेंगे और नमक डाल देंगे। और लास्ट में हम जब सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे, और थोड़ा सा आधा ग्लास के करीब पानी डाला है मैंने। इससे क्या होता है ना कि ऑयल अच्छे से सेपरेट आउट हो जाता है पानी डालने से। तो और 2-3 मिनट इसको पकाएंगे हम। ये देखिए दोस्तों हमारी पाव भाजी की भाजी जो है वो रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।